हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी ने मसूरी डायवर्जन तिराहे से हाथी बड़कला तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं युवाओं सहित स्थानीय जनता ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर घर तिरंगा एक अभियान के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रदेश के हर विधानसभा में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर व मसूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गणेश जोशी का कहना है कि 11 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रत्येक भारतवासी तिरंगे का सम्मान करता है और इस तरह की यात्रा से लोगों को घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ महेंद्र भट्ट और गणेश जोशी ने स्कूटर पर बैठकर तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। ग्यारह तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है। आज मसूरी विधानसभा की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भट्ट जी यहाँ पर द्वारा कैप किया है। जिस कार से उत्साह दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर हैं, इस बात का प्रतीक है कि तिरंगे का सम्मान हर भारतवासी करता है और तिरंगा हमें एक सूत्र में बंधने की प्रेरणा भी देता है। और जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, आम जनमानस भी इसमें अपना सहयोग दे रहा है और ये भविष्य भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है।